सबसे पहले तो आजाद पार्टी के हमारे चीफ भाई चंद्रशेखर जी ने जो आज राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रदेश का नौजवान किसान जिस तकलीफ के दौर से गुजर रहा था और आवश्यकता थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मजबूत विकल्प की, तीसरी ताकत की, और आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो लंबे समय से हम दोनों के बीच बात चल रही थी, आज गठबंधन की अंतिम मोहर लगाई। इनको धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान के जवान किसान दलित की पीड़ा को समझते हुए इस प्रदेश को इन दोनों पार्टियों से मुक्त करके और किसान जवान दलितों की सरकार राजस्थान में बने और ये गठबंधन लंबे समय तक देश में चले, इसकी ठोस शुरुआत इन्होंने की। और मैंने इनसे आग्रह किया कि आप स्वयं यहाँ RLP कार्यालय आके और जवानों को संबल दें और समर्थन की घोषणा करें। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और हम मिलके राजस्थान का चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से राजस्थान का जवान इस बार जिस तरह पिछली बार 80 लाख वोट कांग्रेस BJP के खिलाफ राजस्थान के अंदर आए थे, जिस तरह का माहौल राजस्थान में रहा, भय, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं थे, बजरी माफिया का आतंक, दलितों पर अत्याचार, किसान आत्महत्याएं, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, इस सब में कहीं कहीं राजस्थान का युवा और किसान बदलाव की तस्वीर देखना चाहता है, उम्मीद रखता है वो। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से शासन के अंदर है, धन बल, बाहुबल और सत्ता के बल के आधार पर उस सच्चाई को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में नौजवानों को संगठित होने की आवश्यकता है। नौजवान ने उम्मीद भी करा था लंबे समय से, ये जो राजस्थान लंबे समय से चाह रहा था यहाँ बदलाव हो, आज बदलाव की इस कड़ी के अंदर चंद्रशेखर जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारी बात को रखा, हमारे आग्रह पे गठबंधन की पहल की। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके परिणाम 24 के अंदर भी अलग होंगे देश के अंदर, और 23 में राजस्थान की जंग हम मिलकर जीतेंगे। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हम परिवार की तरह मिलकर राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज सीटों को लेकर हमारे कोई दिक्कत नहीं किस तरह की, 200 सीटें राजस्थान के अंदर, और हम चाहेंगे कि जीत कैसे हासिल हो, कैसे जीतें, इस पर मंथन चल रहा है। हमारी पार्टी की जो टीम है यहाँ, इनके प्रभारी सतपाल जी और पार्टी के हमारे विधायकों ने बैठ के काफ़ी इसके अंदर चर्चा भी करी और करीब करीब सीटों में किसी तरह की हमारी दिक्कत नहीं आएगी। आजाद समाज पार्टी ने कहीं घोषणाएं कर चुकी है टिकटों की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा हम चाहेंगे टिकटों की घोषणा जो करी उसमें कोई हमारे इतनी टकरा रहे हैं कहीं भी, हम प्रयास करेंगे कि मिलके इस बार राजस्थान के अंदर जो वोट कांग्रेस BJP के खिलाफ 80 लाख वोट पिछली बार गया तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा बढ़ेगा वो वोट एक जगह है, उसके अंदर ये भी चाहेंगे कोई अन्य दल जो कांग्रेस BJP के खिलाफ हैं वो अगर हमारे इस मोर्चे में या मुहिम में शामिल होना चाहिए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। एक लिस्ट RLP पार्टी की तो एक लिस्ट हम अभी चर्चा कर रहे हैं, एक लिस्ट में हम निकलें, लिस्ट उसकी संख्या करीब 13 से 15 करीब होगी, हम दोनों बात कर रहे हैं अभी, करते हैं उसको निकाल देंगे, उसके बाद हर दिन लिस्ट आएगी। हाँ, एक बार सम्मानित मीडिया के साथियों, आप सब बहुत शॉर्ट नोटिस पे और यहाँ के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल जी के आग्रह पे यहाँ बहुत शॉर्ट नोटिस पे पहुँचे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये अलायंस आज का अलायंस नहीं है, ये अलायंस बहुत दिन पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम जी के नेतृत्व में हुआ कि किसान, कमजोर, नौजवान, महिला, उनके हकों की आवाज़, उनकी लड़ाई को लड़ा जाए। अब लोकतांत्रिक स्थिति में हनुमान जी बेनीवाल लंबे समय से इस क्षेत्र को लड़ की समस्याओं को लड़ रहे हैं और कहीं कोई ऐसा मौका नहीं
जहाँ बीजेपी कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने हुए थे जनता के हितों के लिए, वो लड़ाई को मैदान में लड़ रहे थे। इसके लिए वो धन्यवाद के भी और उनकी पूरी टीम, हम उनका दिल की गहराई धन्यवाद करते हैं कि वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। अब ये लड़ाई क्योंकि इलेक्शन का दौर आ गया और आगे बढ़े, ऐसे व्यक्ति को जो बिना स्वार्थ जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ के मौका मिले नेतृत्व करने का, इसकी जिम्मेदारी भी जनता के ऊपर है। पिछली बार 80 लाख से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जनता ने दिया, 80 लाख लोग वो, और प्लस जिन लोगों को अब हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग मन से तैयार हैं कि भाजपा और कांग्रेस की सरकार के से मुक्ति चाहते हैं और नए लोगों को आगे बढ़ के काम करते देखना चाहते हैं, चाहे वो नौजवान हों, महिलाएँ हों, किसान हों, मजदूर हों, और राजस्थान की वो सम्मानित जनता जिनका विश्वास है लोकतंत्र में, जो बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, उनको जोड़ के आने वाले दिनों में एक बड़ी शक्ति हम लोग यहाँ बनाएंगे। 29 तारीख को आरएलपी के स्थापना दिवस पे एक बड़ी रैली भी जयपुर में रखी है, मैं खुद भी उसमें शामिल रहूँगा और हमारे बड़े पैमाने पर हमारे कार्यकर्ता नेता और समर्थक भी उस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। वो एक रैली ही राजस्थान की बहुत बड़ी जो शक्ति बनने जा रही है उसका प्रदर्शन करेगी, और उसके बाद भी हम लोग बहुत सारे रैलियाँ करें। ना मैं टिकट सीटों में हमें कोई किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट है, ना और कोई, पर एक ही हमारी तमन्ना कि राजस्थान बस सुरक्षित हाथों में रहे, राजस्थान की जनता को उनके अधिकार मिले, और जो वंचित तबकों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएँ हों, जो शोषण हो रहा है वो बंद हो, और वो शोषण तभी होगा जब काम लेने वाले हाथ मजबूत हों। हनुमान जी बेनीवाल के हाथ बहुत मजबूत हैं और हमारे साथी उनको इस लड़ाई में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं उनकी पूरी पार्टी का, उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूं, आज़ाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का, भीमार्मी के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं, और मुझे आशा विश्वास है कि आज से जो संदेश आपके जरिए जाएगा, कल से जो मनोबल बढ़ेगा, उसका परिवर्तन जो है वो आपको कल से दिखाई देगा। राजस्थान में बहुत सारे लोग जो आशा और उम्मीद के साथ बैठे हैं राजस्थान में परिवर्तन हो, वो इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए अगर साथ आएंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे, लेकिन ये मोर्चा एक नया इतिहास लिखेगा राजस्थान में, और किसान का मेरे नौजवानों को, महिलाओं को, जो शोषण और परेशानी उनके सामने है, वो उनकी उनसे मुक्ति मिलने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अब कोई सवाल हो तो बताओ। आने वाले समय में हनुमान और रावण एक साथ मतलब दिखेंगे चुनाव, इस पे मुकदमा हो जाता गलत शब्द कहने पे तो हनुमान जी बेनीवाल खुद से इतने मजबूत हैं, जिन्होंने हमेशा साबित किया, और वो लड़ते हुए जाति धर्म नहीं देखते, इससे मैं उनका उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, और हमारे साथियों का भी ये मन था कि ये लड़ाई, अब जो लड़ाई वो अलग अलग लड़ रहे थे, अब मिलकर लड़े कि वोट में बंटवारा ना, तो जो बटा हुआ वोट है आप देखना वो इकट्ठा होके इस अलायंस को मिलेगा। और एक मैंने फिर कहा कि इस बार चीफ मिनिस्टर ये अलायंस ही तय करेगा, और चीफ मिनिस्टर आपके बीच में बैठा हुआ, इसका बहुत जल्द जो है जब जनता वोट करेगी आपको पता लग जाएगा। वो उनको उनमें उम्मीद देख रहे हैं भविष्य की आपके हिसाब से, और हम उनके साथ खड़े आपके हिसाब से, यहाँ हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल है और हम उनके पीछे खड़े होकर यहाँ का चुनाव लड़ाएंगे, और इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि जो लोग बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें भी आगे बढ़ के कुर्सी संभालने का मौका मिले, उनकी उम्मीदों को पंख लगेंगे। आजाद पार्टी की ओर से सीएम बेनीवाल साहब को बोल रहे हैं, बहुत जल्द बता देंगे, 29 तारीख की रैली में आप लोग आना, सबका स्वागत है। गठबंधन 200 सीटों में चुनाव लड़ेगा। आप 200 पे लड़ेगा। हनुमान जी, जिस तरीके से प्रदेश में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है ईडी की तरफ से, उस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईडी की जो कार्रवाई हुई है ये उस समय होनी चाहिए जब पेपर लीक की घटना हुई, अभी कार्रवाई। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि खाली कार्रवाई से नहीं होता, दो चीज़ होती है, मुख्यमंत्री बयान देते हैं जल शक्ति मंत्री के खिलाफ कि ये संजीवनी के अंदर आरोपी, सीएम खुद ही बयान देते हैं रोज, तो आरोपी तो गिरफ्तार करें, और नहीं है तो बयान नहीं दें। किसी की छवि धूमिल करना मकसद नहीं होना चाहिए। अगर प्रदेश अध्यक्ष के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई और वो दोषी हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और दोषी ने भी ईडी माफ़ी मांगे कि गलती हो गई, बदनामी, चुनाव के समय किसी को राइट नहीं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करें। ये ईडी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ईडी अगर गोविंद डोटासरा दोषी है तो ईडी आने वाले 3 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तार करे, और दोषी नहीं है तो ईडी माफ़ी मांगे कि गलती से घर में घुस गए। और बजरी माफिया जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर 7 स्टार होटलों में दिखते हैं, जो आज दाड़ रहे थे इसके ऊपर आपके टेलीविजन पे, आपके इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि ये जो बजरी माफिया है, इसने सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घपला राजस्थान का किया, तो भारतीय जनता पार्टी के तो टिकटें मारता दिख रहा है, तो ईडी की कार्रवाई बजरी माफिया क्यों नहीं हो रही? मैं लंबे समय से मांग कर रहा हूँ, 12 रैली करी मैंने राजस्थान के,
तो ईडी वहां क्यों नहीं पहुंची? और ये पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, इसको लेकर लोकसभा के अंदर में हमने मामले उठाए, प्रदेश की सड़कों पर आरोपी ने संघर्ष किया, ईडी की कार्रवाई की हमने मांग करी, सीबीआई की कार्रवाई की मांग करी, लेकिन ईडी की कार्रवाई का मतलब ही नहीं कि ईडी छापा मारे और चली जाए, अखबार में छप जाए, टीवी पर आप दिखा दो ईडी की कार्रवाई हुई। हुआ क्या? अगर दोषी है पकड़ो और नहीं है तो कार्रवाई मत करो, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और अशोक गहलोत से भी पूछ रही है कि आप बार बार शेखावत पर जो आरोप लगा रहे कि संजीवनी में दोषी है, दोषी तो गिरफ्तार करो और नहीं है तो बदनाम मत करो। ये चुनाव के समय ही बात क्यों लेके आ रहे हो? अब तो चुनाव है, चुनाव से पहले भी कार्रवाई हो सकती थी, क्लियर करना चाहिए। राजस्थान की जनता चाहती है कि क्लियर कटो, हमें भ्रामक प्रचार और दुष्प्रचार के अंदर नहीं धकेला जाए। ये राजस्थान की आम आवाम जनता, ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ईडी सीबीआई हम सब मांग करते हैं, ये इसी के लिए एजेंसियाँ बढ़ी, लेकिन उसका समय तय होना चाहिए कि आज का समय क्यों चुना, या ये 3 महीने पहले क्यों नहीं कार्रवाई, क्या इतने टाइम पर डॉक्यूमेंट नहीं मिले थे कि टारगेट करके जैसे किस केस को आप कर रहे हो? तो ये जो समय है, और जब कार्रवाई कर ली, ईडी के पास सूचनाएं थी तभी तो ईडी पहुंची थी, पहुंची तो फिर ईडी को इसका खुलासा करना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और नहीं तो ईडी को माफी मांगनी चाहिए, मेरा इसके अंदर ये कहना। और बजरी माफिया के खिलाफ ईडी को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहा। मैनिफेस्टो तो हम कर देंगे 29 की रैली के तुरंत बाद, एक दो दिनों के अंदर बैठ के तय कर लेंगे। हमारा मैनिफेस्टो करीब करीब एक साइड रहेगा, गठबंधन का एक ही मैनिफेस्टो होगा। दूसरी पार्टी है जो अपना संकल्प पत्र बनाने के लिए या फिर सुझाव मांग रही है जनता से या लोगों से, लेकिन आपकी पार्टी जो नई पार्टी है, नया क्या कर रहे हो इस बार आपकी सरकार में? तो पार्टी हम तो सारे नया ही कर रहे हैं, और कर कौन रहा नया राजस्थान का? 70 साल में किसी ने नया किया ही नहीं भाई। पहली बार ये अलायंस भी नया हुआ, देखिए आप जवानों का, और संघर्षशील दो नेता जो देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। पहलवान बेटियां संकट में थी, आप भी गए थे, चंद्रशेखर जी गए, मैं वहाँ गया उन बेटियों के लिए, किसानों को, किसान आंदोलन के अंदर हम दोनों थे, अग्निपथ के खिलाफ हम दोनों थे, प्रदेश की कई ऐसे दलितों पर अत्याचार हुए जहाँ आप भी आए मैं भी गया, चाहे जालौर के अंदर मटकी का मामला हो वहाँ ये भी गए मैं भी गया, बहुत से किस्से हैं जहाँ हमने मिलकर लड़ाई लड़ी। और निश्चित रूप से टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली की, जो हमारी मिलकर हम सारा तय करेंगे, जो हमारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आरएलपी का गठन हुआ और जिसको लेकर आज़ाद पार्टी का गठन हुआ, कि हमारे वो मुद्दे जिनको लेकर पार्टियों का गठन हुआ, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, कि वो तो हमारे घोषणा पत्र में रहेंगे। उसके अलावा हम बैठ के पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, अपराध नहीं हो, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त, एसीबी को और मजबूत किया जाए, सशक्त लोकायुक्त हो, हम चाहते हैं बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, और वोटों का बंटवारा नहीं, और निश्चित रूप से वोट का बंटवारा इस बार नहीं होगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जैसे ही गठबंधन का ऐलान हुआ, तबीयत खराब हो गई राज्य। सोशल मीडिया पर आरएनपी के दो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी वायरल हो रही है, उस लिस्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? फर्जी है? मुझे नहीं पता कब होगी जारी, एक घंटे में चलती रहती है, पता नहीं कौन 2018 की है क्या? 2018 वो तो अब लिस्ट, एक लिस्ट अभी जारी करें, हम दोनों बैठे हैं बात करके, 15 अब जारी कुछ भी करते थे सोशल मीडिया पर, आप देख रहे हो ना ये सोशल मीडिया का जमाना, बच्चे कर देते हैं इसको, लेकिन हमारी अभी तक कोई अधिकृत सूची जारी नहीं हुई। अब हम बैठे हैं, क्योंकि गठबंधन हमारा हो गया, पहले से मन में हमारा गठबंधन था, आज ऐलान हो गया, एक बार बैठ कर एक सूची हम थोड़ी देर बाद जारी करेंगे, और उसके बाद अगली सूची हम बैठ के कल से हमारे वापस यहाँ चर्चा करके और आगामी सूची आ जाएगी। इस गठबंधन का सर किससे जाएगा सर? सर तो राजस्थान के जवानों को जो संघर्ष कर रहे हैं, और ये जो दुआएं हम लोगों को मिली दोनों, इन पे भी हमला हुआ, बताइए मेरे पे भी 2 बार हमले पहले हुए थे, ईश्वर ने हमें भेजा यहाँ पे कि सेवा करो आप दलितों की, किसानों की, जवानों की, देश की। तो गठबंधन का सिर हर उस आदमी को जाएगा जो गठबंधन चाहता था, जो 1 महीने से ये कह रहा था गठबंधन करो, गठबंधन करो, गठबंधन करो, हो गया गठबंधन, इसलिए हमने ईश्वर हमारे साथ है तभी तो गठबंधन हुआ। और हमारे परिवारी जी ये सारी जो टीम बैठी है आज़ाद समाज पर, इनको और मेरी पूरी टीम और पब्लिक तो राजस्थान की चाहती थी, और उत्तर प्रदेश से हमारे पुष्पेंद्र जी, हरियाणा, तमाम जगहों पे टेलीफोन आ रहे थे कि साहब गठबंधन जल्दी करो, जल्दी करो। वो योग संयोग बैठा कि हो गया गठबंधन, मन में तो हमारा गठबंधन हो रखा था, आज इसका ऐलान होकर मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि चला के कार्यालय पर आके बच्चों की हौसला अफजाई लिया है, बोले मैं वहाँ चलूंगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ऑफिस भी देखूँगा और मजबूत से मिलकर परिवार की तरह लड़ाई लड़ाई। अब आप ये तो एक तो बात कर लो। राजस्थान के युवा निराश ना हो,
उनके साथ जो समस्याएं लंबे समय से रही, ये मोर्चा उनकी समस्याओं पे मजबूती से काम करेगा, चाहे वो सीएचए के बच्चे हों, चाहे वो थर्ड ग्रेड टीचर हों जिनके साथ ट्रांसफर की परेशानी, हर आम जन की समस्या के लिए मोर्चा अपने मैनिफेस्टो में सब चीजें लेके आएगा जिनसे उनके जीवन में खुशहाली आएगी। निराश ना हो, हताश ना हो, मिलके इस गठबंधन को मजबूती से वोट करें और परिणाम आपके सामने आए। धन्यवाद।